नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल स्क्वाड एनालिसिस और फैंटेसी टिप फॉर फ्रांस नेशनल टीम, जो दोस्तों यूरो 2020 में पार्टिसिपेट करेगी। दोस्तों फ्रांस करंटली वर्ल्ड चैंपियंस है। 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप, उसमें वो चैंपियंस रही थी, और जो लास्ट टूर्नामेंट यूरो के हुआ था 2016 में, उसमें वो रनर अप रही थी। और दोस्तों ये टाइम उनकी स्क्वाड काफी तगड़ी है, इंक्लूडिंग बेंजिमा को ये साल लिया है आफ्टर 6 ईयर्स, तो वो और भी ज्यादा डेप्थ लाते हैं अटैक में। दोस्तों इनके पास हर एक पोजीशन पे खेलने के लिए एटलीस्ट 2 प्लेयर्स तो अवेलेबल है ही है। दोस्तों एक अगर एक भी प्लेयर जो फर्स्ट टीम में खेलता है वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसका रिप्लेसमेंट इनके पास तुरंत रेडी रहता है। तो दोस्तों काफी तगड़ी टीम है, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन यूरो 2020 में ये टीम गिनी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि कौन सी प्लेयर्स आप ले सकते हैं कौन सी पोजीशन पे, जब फ्रांस या तो स्ट्रॉन्ग टीम या वीक टीम के सामने खेलती है तब। और दोस्तों एंड तक बने रहेगा, काफी तगड़े इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में, मजा आएगा आपको देख के। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप जब फ्रांस खेलेगी टूर्नामेंट में, तो उसकी गेम की भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये वीडियो देख के कि कौन से प्लेयर्स कब सिलेक्ट करने चाहिए हमें। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज हम बताना चाहते हैं, जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फुटबॉल जैकपॉट सीजन आ गया है, जहाँ दोस्तों हम यूरो 2020 और कोपा अमेरिका के सारे गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपके लिए कवर करेंगे। तो दोस्तों फट से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है, जहाँ दोस्तों जो ये टूर्नामेंट होने वाली है दोनों, उसकी टीम्स आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ में अभी जो टूर्नामेंट चल रही है, इंटरनेशनल फ्रेंडली, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ए लीग, जे लीग, क्रिकेट में भी जो भी टूर्नामेंट चल रही है, उसकी भी टीम्स दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सभी की सभी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों कोई भी हमारे नाम से अगर आपको प्राइम के लिए पैसे मांगता है, तो आप उन्हें पैसे मत दीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी प्राइम चैनल नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते वीडियो में आगे और देखते हैं इस टीम की हिस्ट्री कैसी। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड टीम है, फीफा वर्ल्ड कप 2 बार जीती है, 1998 और 2018 में रनर्स अप भी हो रही थी, 2006 में यूरोस भी दोस्तों 2 टाइम जीती है, 1984 और 2000 में, और रनर्स अप रही थी 2016 में। नेशंस लीग भी काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे जो लास्ट ईयर यूरोस में ये हारी थी फाइनल्स में पोर्चुगल के सामने, उसका बदला ले और ये यूरो वो जीते। और दोस्तों उनके पास है भी इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड डेप्थ और इतनी पावरफुल टीम, जो कि हाई चांसेस है कि वो जीत सकती है। अब देखते दोस्तों इस टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों रिसेंट टाइम की बात करें तो यूरो 2016 में रनर्स अप रही थी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, पोर्चुगल के सामने 1-0 से हार गई थी। फीफा वर्ल्ड कप के वो करंट वर्ल्ड चैंपियंस है, यूएफए नेशंस लीग 2018-19 में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, जहां पे उन्होंने सिर्फ 4 ही गोल स्कोर किए, तो 4 गोल कंसीड करे थे। पर दोस्तों ये साल के नेशंस लीग में काफी तड़ा परफॉर्मेंस दे रही है, वो सेमीफाइनल में है, वो बेल्जियम को फेस करेगी 6 अक्टूबर को। और दोस्तों वो ग्रुप A3 में थी, जहाँ पे उन्होंने टॉप किया था वो ग्रुप में, 12 गोल स्कोर किए, तो सिर्फ 5 ही गोल कंसीड करे थे। क्वालिफाइंग ग्रुप जी में वो थी, दोस्तों काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, वन साइडेड परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने 10 गेम खेली थी उसमें से 8 गेम जीती थी, 1 गेम ड्रॉ के साथ एक ही गेम हारी थी। दोस्तों उनके अटैक ने तो तहलका मचा दी थी, जहाँ पे उन्होंने 25 गोल स्कोर करे थे और सिर्फ 6 गोल कंसीड करे थे। तो दोस्तों देखा जाए तो काफी अच्छे फॉर्म में है फ्रांस अभी। आप देखते दोस्तों इस टीम का फॉर्मेशन क्या होगा, क्या होगी एक्सपेक्टेड 11, स्क्वाड कैसी रहेगी और प्लेइंग स्टाइल इनकी क्या होने वाली है। तो दोस्तों यूजुअली फ्रांस 4-3-3 के फॉर्मेशन में खेलेगी, गिवन कि उनके पास काफी ज्यादा अच्छे स्ट्राइकर्स है और मिडफील्डर्स है, सबसे बेस्ट पोजीशन उनके लिए 4-3-3 होने वाला है। और उनका प्लेइंग स्टाइल यूजुअली अटैकिंग होता है, जहां पे वो स्ट्रॉन्ग टीम के सामने अटैक के लिए जाएगी, पहले थोड़ी सी डिफेंसिवली सॉलिड रहेगी, अपना परफॉर्मेंस डिफेंसिवली खेलेगी, फिर फास्ट पासिस इन मिडफील्ड और विंग के थ्रू अटैक पे जाएगी। इसलिए दोस्तों जब ये टीम स्ट्रॉन्ग टीम के सामने खेलती है फ्रांस, तब मिडफील्ड और विंगर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वीकर टीम के साइड भी दोस्तों सेम रहेगा, डिफेंसिवली सॉलिड एट बैक एंड देन दे विल गो फॉर फास्ट पासेज इन मिडफील्ड एंड विंग्स। अब देखते हैं दोस्तों हर एक पोजीशन पे कौन से प्लेयर आप सिलेक्ट करेंगे जब फ्रांस स्ट्रॉन्ग टीम या वीक टीम के अगेंस्ट खेलती है तब। तो सबसे पहले चालू करते हैं दोस्तों कीपर से। तो दोस्तों जब कीपर आप सिलेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, इट्स अ 50-50 कॉल टू पिक लॉरिस। रादर दोस्तों हम कहेंगे कि सामने वाले का कैसा अटैक है, जैसे दोस्तों सामने वाले का अटैक रहा पोर्चुगल जैसा, तो आप लॉरिस को ना लेके जो पोर्चुगल का कीपर उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोर्चुगल अटैक भले ही उनका काफी तगड़ा है, बट दोस्तों
फ्रांस का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पोर्चुगल अटैक। और दोस्तों फ्रांस का अटैक ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाला है, तो शॉट ज्यादा पड़ने वाले हैं फ्रांस के अटैकर्स की साइड से, इसलिए दोस्तों आप तब पोर्चुगल के कीपर को ले सकते हैं। बट दोस्तों टीम जैसे जर्मनी खेलती है जो कि काउंटर पे हद के बाहर ब्रेक करती है और वैसा ही खेलती है, तो आप जब जर्मनी खेलती है तब आप लॉरिस को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट टोटली डिपेंड्स कि ऑपोजिट टीम कौन सी है, क्या है उनकी प्लेइंग स्टाइल। और अगर वीक टीम के सामने खेलते हैं दोस्तों तो नो डाउट डोंट टेक लॉरिस, सामने कोई भी वीक टीम हो उसके ही कीपर को लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे हमने आपको बताया काफी ज्यादा तगड़ा अटैक है इनका, तो शॉट्स काफी पड़ने वाले हैं। और दोस्तों अगर कोई टीम ऐसी हो जिसके सामने ये 3-4 गोल स्कोर करे और क्लीन शीट रखे, तब आप लॉरिस को लीजिएगा, क्योंकि लॉरिस आपको क्लीन शीट के पॉइंट देंगे जो कि सामने वाले का कीपर नहीं देगा। तो दोस्तों कीपर में ना यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको देखना रहता है कि ऑपोजिशन का प्लेइंग स्टाइल कैसा है, ताकि अगर आप कीपर इनका ले रहे हैं फ्रांस का या फिर ऑपोजिट टीम का, तो उस हिसाब से आप सामने टीम का अटैक भी डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इनके डिफेंस की, तो डिफेंस में दोस्तों लेफ्ट में हर्नांडस और किम्बेपे होने वाले, और राइट और मिड में राफेल वरान और पवार होने वाले। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीम के सामने वी आर बैकिंग हर्नांडस एंड पवार, क्योंकि दोस्तों ये दोनों डिफेंस में तो इन्वॉल्व रहने ही रहने वाले, अटैक में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो दोस्तों अगर एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है तो आप लुकास हर्नांडिस और पवार्ड को ले सकते हैं, बट दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीम है, पर अगर जैसे पोर्चुगल जैसी टीम है तो आप वरान को भी ट्राई कर सकते हैं इन योर टीम। पर दोस्तों दैट टोटली डिपेंड्स कि सामने कौन सी टीम खेल रही है। तो राइट नाउ वी आर बैकिंग कि जब कोई स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है फ्रांस के सामने तो आप हर्नांडिस और पवार्ड को ले सकते हैं। और दोस्तों जब वीक टीम खेलती है तो वी विल सजेस्ट टेक ओनली 3 डिफेंडर्स फ्रॉम फ्रांस, और दोस्तों पूरा डिफेंस सिर्फ फ्रांस का ही लोड करेगा, साथ सिर्फ 3 ही प्लेयर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीक टीम के सामने खेलती है तो हाई चांसेस है कि गोल भी ज्यादा पड़ेंगे, तो डिफेंस आपको सिर्फ क्लीन शीट के पॉइंट्स देगा रादर टू पिक गुड मिडफील्ड एंड अटैकर, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप मिडफील्ड और अटैक में जब वीक टीम के साइड खेलती है रादर देन डिफेंस, तो आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें असिस्ट आ जाएंगे, थ्रू बॉल्स आ जाएंगे, मिडफील्डर्स तो आपको इंटरसेप्शन करते हैं ब्लॉक्स करते हैं उनके भी पॉइंट्स देंगे, और अटैकर्स तो गोल स्कोर करने के और असिस्ट देने के भी काफी ज्यादा अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। अब देखते हैं दोस्तों मिडफील्ड में आप किसको ट्राई करना चाहिए। तो मिडफील्ड में दोस्तों जब स्ट्रॉन्ग टीम के सामने खेलती है तो कांटे और पोगबा आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में ग्रीजमैन। ग्रीजमैन क्यों बोल रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि ग्रीजमैन बार्सा के लिए तो राइट विंग खेलते हैं, बट गिवन कि इनका डेप्थ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एज एन अटैकिंग मिड खेले, इसलिए दोस्तों अगर वो मिड में लिस्टेड है इन ड्रीम इलेवन या फिर और कोई भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप ग्रीजमैन को अपने टीम में ले सकते हैं व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज दोस्तों ग्रीजमैन स्कोर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दोस्तों वो आपको असिस्ट के भी अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देंगे, और प्ले मेकर वो मेन होने वाले हैं अगर वो अटैकिंग मिड खेलते हो तो। पर अगर दोस्तों अटैकिंग मिड नहीं खेलते तो यू कैन ट्राई कांटे एंड पोगबा अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम जब फ्रांस खेलती हो तब। वीकर टीम के साइड में दोस्तों कांटे पोगबा इज अ मस्ट हैव पिक, साथ में दोस्तों ग्रीजमैन और राबियो, ये दोनों में काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक तो इनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड अटैक डिफेंस कोई भी पोजिशन के प्लेयर्स बोले दोस्तों काफी तगड़े हैं। मिडफील्ड में दोस्तों इनके पास पोगबा है, राबियोट है, कांटे है, टोलिसो है, ये 4 प्लेयर्स उनके लिए सिर्फ मिडफील्ड में अवेलेबल है, तो दोस्तों काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। और दोस्तों अगर आप जीएल टीम बनाते हैं तो आप कांटे को भी अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर आप जब मल्टीपल टीम डालते हैं उसमें कोई भी एक टीम में कांटे का वाइस कैप्टन ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत तगड़े फॉर्म में है चेल्सी के लिए भी और फ्रांस के लिए भी, अभी उन्होंने चैंपियंस लीग जीता चेल्सी के साथ, तब लास्ट 3-4 मैच से जो भी चैंपियंस लीग के हुए थे कांटे वॉज दी मैन ऑफ द मैच, काफी तगड़े फॉर्म में है, और दोस्तों वो आप डिफेंस अटैक दोनों में ही अपनी जी जान लगा देते, और बहुत ज्यादा उनके प्लेयर है कांटे, तो दोस्तों आप जीएल में कांटे को एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वापस कहते हैं अगर ग्रीजमैन कोई भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड एज एन अटैकिंग मिड है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं इन मिडफील्ड, अगर वो अटैक में है तो दोस्तों देखते हैं कि उन्हें ट्राई करना चाहिए कि नहीं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा हमने कहा दोस्तों अब बात करते हैं अटैक की, तो दोस्तों अटैक में इनके पास दो बिग प्लेयर्स है, बेंजेमा वापस आ गए हैं
जो कि काफी उम्दे फॉर्म है रियल मैड्रिड के लिए, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लोन स्ट्राइकर थे, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एम्बापे दोस्तों यंग ब्लड, वो भी बहुत ही ज्यादा उम्दे फॉर्म में है, फास्ट प्लेयर है, तो दोस्तों वो जब लॉन्ग बॉल्स देंगे पीछे से मिडफील्ड से पोगबा कांटे, तो किलियन एम्बापे काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों जब स्ट्रॉन्ग टीम के सामने खेलती है तब एम्बापे या फिर बेंजिमा, दोनों में से किसी भी एक प्लेयर को आप चूज कर सकते हैं। वीक टीम के सामने जब खेलते हैं दोस्तों तब एम्बापे या तो बेंजिमा प्लस डेम्बेले, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो कोमान की जगह पे, या फिर कोमान स्टार्ट करते हैं तो वो, बट हमें लगता है दोस्तों जब वीकर टीम के सामने खेलेगी तब कोमान की जगह पे डेम्बेले को वो ट्राई करेंगे, सो दैट अलग अलग कॉम्बिनेशन थोड़े ट्राई कर सके मैनेजर, और जब आगे राउंड ऑफ 16 या फिर जब बड़ी मैचेस हो उनमें राइट विंग में ट्राई कर सकते हैं, या थोड़े चेंजेस भी अगर पॉसिबल हो करने तो वो कर देंगे। तो दोस्तों वीक टीम के सामने एम्बापे या तो बेंजिमा प्लस डेम्बेले या ग्रीजमैन, सेम दोस्तों ग्रीजमैन यूजुअली राइट विंग खेलते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे हमने आपको बताया इसके पहले जब हम मिडफील्ड डिस्कस कर रहे थे कि दोस्तों वो थोड़े से अटैकिंग मिड में ये टाइम इन्वॉल्व रहने वाले हैं फॉर फ्रांस, क्योंकि दोस्तों फ्रांस काफी ज्यादा अटैक पे जाने वाले, उनके पास ऑलरेडी काफी उनके अटैकर्स भरे अदर देन ग्रीजमैन। तो दोस्तों अगर ग्रीजमैन रहता है राइट विंग पे खेलते हैं वो, तो ही इज अ मस्ट हैव पिक। थोड़ा 50-50 कॉल भी हो जाएगा तब या तो बेंजिमा या तो ग्रीजमैन के बीच में, क्योंकि दोस्तों तब एम्बापे विल बी द लोन स्ट्राइकर, तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे, पॉल पोगबा भी एम्बापे को फ्री करने के लिए चांसेस क्रिएट करेंगे, तो तब एम्बापे तो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे और ग्रीजमैन और बेंजिमा में 50-50 कॉल हो जाएगा। और दोस्तों याद रखें एम्बापे और बेंजिमा आर हिट और मिस प्लेयर, क्योंकि दोस्तों अगर वो स्कोर नहीं करते किसी गेम में, जो कि हाईली अनलाइकली है कि ऐसा होने वाला है, पर अगर शायद बाई चांस वो नहीं करते तो इतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे। तो दोस्तों ये थी फ्रांस के स्क्वाड की इन डेप्थ एनालिसिस, हर एक पोजीशन पे आपको कौन से प्लेयर्स लेने चाहिए। अब बात करें दोस्तों इस टीम के सेट पीस टेकर्स कौन है, दोस्तों पेनल्टी टेकर्स बेंजिमा और ग्रीजमैन होने वाले। फर्स्ट चॉइस विल बी बेंजिमा, क्योंकि वो रियल मैड्रिड के लिए भी लेते हैं, ग्रीजमैन विल बी सेकंड चॉइस, क्योंकि दोस्तों वो बारसा में यूजुअली मेसी लेते हैं और सेकंड चॉइस ग्रीजमैन रहते, तो इस गेम इस टीम में भी दोस्तों हम एक्सपेक्ट करें कि ग्रीजमैन विल बी द सेकंड चॉइस। कॉर्नर किक में दोस्तों ग्रीजमैन और कोमान, ये दो प्लेयर्स इन्वॉल्व रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की साइड से कौन से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अलग अलग टीम जब बनाते हैं और अलग अलग लीग में जब पार्टिसिपेट करते हैं तब। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कौन से है वो चार कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, तो करीम बेंजिमा, किलियन एम्बापे, एनगोलो कांटे और एंटोनियो ग्रीजमैन, ये चार बहुत ज्यादा अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। जहां पे दोस्तों सॉरी बेंजिमा और एम्बापे ये दोनों सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आप सोच सकते हैं, दोनों ने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है, दोनों ही स्ट्राइकर का रोल निभाने वाले हैं। जहां पे दोस्तों बेंजिमा ने 46 गेम में से 30 गोल स्कोर किए ये सीजन में फॉर रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे ने दोस्तों पीएसजी के लिए 47 गेम में से 42 गोल स्कोर किए और 11 असिस्ट भी दिए, तो किलियन एम्बापे भी दोस्तों काफी ज्यादा उमदे फॉर्म में। एंटोनियो ग्रिजमैन दोस्तों अच्छे प्लेयर है, अगर वो राइट विंग खेलते हैं तो ही इज अ गुड कैप्टनसी ऑप्शन इन मल्टीपल टीम, स्मॉल लीग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट इफ इज प्लेइंग इन अटैकिंग मिडफील्डर ये इज अ गुड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन इन योर हेड टू हेड लीग, क्योंकि दोस्तों अगर वो ए अटैकिंग मिड खेलते हैं तो या तो आप किलियन एम्बापे या तो बेंजेमा, दोनों में से किसी एक प्लेयर को अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रखेगा। एंगेलो कांटे दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए काफी तगड़े ऑप्शन है, भले ही दोस्तों वो स्कोर शीट पे इतनी जल्दी से नहीं आते, बट दोस्तों जब वो खेलते हैं तब तगड़ा खेलते हैं वो, आपको डिफेंस में जाके इंटरसेप्शन ब्लॉक्स के तो उन्हें पॉइंट्स देंगे, साथ में चांसेस भी क्रिएट करते हैं, असिस्ट भी देते हैं, थ्रू बॉल्स इनके भी काफी ज्यादा अच्छा फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं, पर दोस्तों थोड़े से रिस्की है क्योंकि वो स्कोर शीट पे जल्दी से नहीं दिखते हैं। यूजुअली जैसे इनका टीम का स्ट्रॉन्ग टीम अटैक है इतना तगड़ा, जहाँ पे बेंजिमा, ग्रीजमैन, एम्बापे, टेम्बेले जैसे। ग्रुप एफ में दोस्तों फ्रांस खेलेगी विद पोर्चुगल, जर्मनी एंड हंगरी, दोस्तों तीन बेस्ट टीम्स टू विन यूरो एक ही ग्रुप में, तो काफी तगड़ा ग्रुप होने वाला है, बेस्ट ग्रुप में कह सकता हूँ इस ईयर के यूरो 2020 का ग्रुप ऑफ डेथ है, जहां पे दोस्तों हाई चांसेस है गिवन कि फ्रांस इतनी तगड़ी टीम है, हर एक पोजीशन पे दो प्लेयर्स उनके पास है, इतना ज्यादा उमदा स्क्वाड डेप्थ शायद ही कोई और टीम का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। दोस्तों दे आर फेवरेट्स टू टॉप ग्रुप एफ एंड रीच टू राउंड ऑफ 16, पर दोस्तों इसमें सेकेंड पोजिशन के लिए काफी टफ फाइट हो सकता है पोर्चुगल और जर्मनी के बीच में। तो दोस्तों मस्ट वॉच ग्रुप होने वाला है, ये तगड़ी मैचेस होने वाली है, एकदम क्लोजली फॉट
कॉन्टेस्ट हम इस ग्रुप में से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी फ्रांस के इन डेप्थ स्क्वाड एनालिसिस फैंटेसी टिप्स, जो आपको हेल्प करेगी जब फ्रांस खेलती है यूरो 2020 में तब खुद की भी टीम बना पाएंगे दोस्तों। ये अगर आपने पूरा अच्छे से सुना रहेगा हमारी रिसर्च और अच्छे से ध्यान दी होगी तो। और दोस्तों हमने ऑलरेडी जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया ये 4 टीम्स की इन डेप्थ स्क्वाड एनालिसिस बना दी है वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और तुरंत देख लीजिएगा दोस्तों। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई है, आपको काफी हेल्प होने वाली है। और दोस्तों अगर आपको अभी जो टूर्नामेंट चल रहे उसकी टीम्स जाननी है, उसके जो आपको एक्सपर्ट एनालिसिस चाहिए हमारी साइड से, तो आप फट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है दोस्तों। और भी कई सारे टीम्स के एक्सपर्ट एनालिसिस आने वाले हैं, इन डेप्थ स्क्वाड एनालिसिस फैंटेसी टिप्स आने वाली है, तो बने रहेगा दोस्तों हमारे तक एंड तक, ताकि दोस्तों काफी हेल्प हो जाए आपको बाकी टीम्स की भी इंफॉर्मेशन लेने में। और सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा। और याद रखिए दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अच्छे से खेले क्योंकि इसमें फाइनेंशियल जरूर इन्वॉल्व होता है, तो अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करेगा। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियोज में, धन्यवाद।